हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सी टेक पॉली। जैसे कि आपको पता है कि मैं सीएनसी आप लोगों का जो सिक्स सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसे डील कर रहा हूँ, जिसके कई सारे लेक्चर्स मतलब हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी वैसे आपको कंटेंट मिलता जाएगा। अब जो आप लोगों का सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में आपका एक टॉपिक रह रहा था एक्सेस आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड यूनिट आप लोगों की चल रही थी, जिसमें से काफ़ी पार्ट मतलब 50% से ज़्यादा जो पार्ट था वो कवर हो चुका था। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो बताया था वो मैंने आपको स्वाफ रिमूवल के बारे में बताया था, चिप्स फॉर्मेशन जो होता है सीएनसी या ऑटोमेटिक मशीन में स्वाफ रिमूवल के बारे में बताया था। इसके मैंने टाइप्स भी बताए थे कि स्वाफ कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगा, उस इमेज में ये बता दूंगा कि स्वाफ रिमूवल जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है, जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जो चिप्स होता है अगर हम लोग उसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे वर्क पीस को, और वो चिप्स वहीं का वहीं या फिर स्वार पे वहीं का वहीं जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑपरेशन करने के दौरान यहाँ पर हमारा वर्क पीस होता है, यहाँ पर कटिंग टूल होता है, ठीक है। इस तरीके से कटिंग टूल होता है हमारा, ये हमारा वर्क पीस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये चिप्स कटिंग करने के दौरान यहीं पर जम जाएगा तो हमारे को ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम फेस होगा, ठीक है। तो उसके इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मशीन को हम लोग वर्टिकल कर देते हैं, वर्टिकल कर देंगे, यानी कि इस तरीके से वर्टिकल कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे चिप्स का फॉर्मेशन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्क्रैप बॉक्स रखेंगे, स्क्रैप बॉक्स में वो सारा जो चिप्स है यानी कि जो स्वार्फ है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ सिस्टम यूज़ किए थे। अब ये स्वाफ कैसे दिखता है, ऐसी कौन सी मशीन है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमने स्वाफ रिमूवल को इकट्ठा करने के लिए या यूज़ करने के लिए सीएनसी मशीन या ऑटोमेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी कि वो कैसा दिखता है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएँ, ठीक है। देखो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये डायग्राम है, तो मैं और जूम कर देता हूँ। देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप लोगों को वैसे यहाँ पे डायग्राम में एक बार देख लीजिए सारी चीज़ें, खुद से रीड करने की कोशिश कीजिए, डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिए कैसा कैसा आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपको मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट है आपका, देखिए मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, स्वार्फ के बारे में पढ़ रहे थे, स्वार्फ रिमूवल के बारे में। लास्ट लेक्चर में वैसे डिटेल में बताया था, लेकिन डायग्राम के थ्रू थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आप लोगों को नोट्स में बना हुआ मिलेगा, इसी अगर ये आती है टेक्नोलॉजी या टेक्निक, ऐसे आप पूछा जाता है कि स्वार्फ को रिमूव करने के लिए कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा दो तीन बार, हो सकता है एक दो पार्ट मिसिंग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन मेन पार्ट्स हैं आप लोग उसमें दिखा ही सकते हो, ठीक है। ये क्या है, वर्कपीस क्लैंपिंग, यानी कि एक क्लैंपिंग डिवाइस है जिसने वर्कपीस को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसमें हैचिंग हो रखी है, ये हमारा वर्कपीस है, यहाँ पे वर्कपीस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट जो इंसर्ट किया गया है, ये वाला पार्ट जो इंसर्ट किया गया है, ये है हमारा ड्रिल, ठीक है, लिखा हुआ ना ड्रिल बुश इस तरीके से। अब इस ड्रिल को भी किसी ना किसी में पकड़ा गया होगा, वो पार्ट है ये वाला, उसका नाम है ड्रिलिंग बुश होल्डर, ठीक है, ड्रिलिंग बुश होल्डर। चार पार्ट्स मेनली हो गए, तो आप लोगों को बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे बनाओगे। यहाँ पे आप लोग चक बनाइएगा, ठीक है। इस चक में हम लोगों ने एक वर्कपीस क्लैंपिंग डिवाइस बना दी, इस वर्कपीस क्लैंपिंग डिवाइस में हम लोगों ने यहाँ पे वर्कपीस को क्लैंप करा दिया। अब इसके अंदर जब हम लोग कटिंग टूल को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, कटिंग टूल इंसर्ट जब होगा यहाँ पे, ये क्या है हमारा, अब इसे टूल मैगजीन बोल सकते हो, ये टूल मैगजीन हो जाएगा, ठीक है। ये टूल होल्डर हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ड्रिल बुश होल्डर, समझ लो क्योंकि ड्रिलिंग का ऑपरेशन हो रहा है तो ड्रिलिंग बिट यूज़ किया जा रहा है,
तो यहाँ पे हमारा ड्रिल बुश होल्डर हो गया, ये टूल होल्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इस वाले कटिंग पोर्शन को इसमें अंदर एंटर कराओगे तो ये ड्रिल बुश क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा, और ये घूमेगा तो अंदर का जो वर्क पीस होगा या अंदर का जो रिमूव होगा वो धीरे धीरे चिप्स की फॉर्म में यहाँ पे गिरेगा। अब देखो जिसके जैसे ही ये पीछे की तरफ या ड्रिलिंग ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म करते हो तो अंदर का जो मटेरियल होता है वो घूमने की वजह से ड्रिल बुश कैसा होता है, हमारा ड्रिल किस तरीके से दिखता है, कुछ इस फॉर्म में होता है ड्रिल, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जब ये रोटेट करता है, मतलब कि जब ये घूमता है, जब ये घूमेगा इस तरीके से, तो जो वर्क पीस होगा जो चिप्स के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, वो इसके घूमने के साथ साथ क्या होगा, बाहर निकलता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। तो वो जो बाहर निकलेगा तो वो चिप्स की फॉर्म में गिरेगा। अब क्योंकि हमने ये वाला पोर्शन जो है जहाँ से हमारा ये चिप्स गिरेगा इसको हमने क्या कर दिया, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर कर दिया। इसको इंक्लाइन भी कर सकते थे, यानी कि ये वर्टिकल होकर हम लोग इसे किसी एंगल पर टिल्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, मैंने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही यहाँ पे हमारा इस चिप्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो चिप्स है ये नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा स्टॉक में, यहाँ पे स्टोरेज रूम में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो चिप्स था ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ, अगर ये नहीं होता तो हमारा चिप्स यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद यहीं इकट्ठा होता जाता और एक ढेर बन जाता, और ढेर बन जाता तो हमको ऑपरेशन करने में दिक्कत आती, ऑपरेशन परफॉर्म करने में दिक्कत आती, मशीनिंग करने में दिक्कत होती, वर्क पीस को भी और टूल को भी, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होता है इसी को बोलते हैं स्वार्फ रिमूवल टेक्नोलॉजी या स्वार्फ रिमूवल सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम जो है स्वार्फ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और भी चीज़ें तो यहाँ लगी हुई हैं, ये स्पिंडल यूनिट है, स्पिंडल यूनिट में जहाँ पर हमारा जो कटिंग टूल है उसको पकड़ा गया है, ठीक है। इधर का चक होता है जिसे हम लोग लाइव स्टॉक या हेड स्टॉक बोलते हैं, इधर वाला पोर्शन होता है डेड स्टॉक यानी कि टेल स्टॉक बोलते हैं, जहाँ पर हमारा स्पिंडल यूनिट लगा होता है, ठीक है। कूलेंट साइकिल, कूलेंट साइकिल जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली जो साइकिल आ रही है ये यहाँ पर एम फॉर यहाँ पर मोटर है, मोटर के थ्रू एक कूलेंट यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है साइकिल में ताकि दोनों टूल और वर्कपीस के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो वहाँ जो हीट क्रिएट हो रही है वो कम से कम हो, तो उसके लिए हम लोग एक कूलेंट को कंटिन्यूस वे में फ्लो करा रहे हैं जिसको हम लोग कूलेंट साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है आप लोगों का स्वाफ रिमूवल सिस्टम डायग्राम दिखाने का मेन मोटो ये था ताकि आप लोगों को स्वाफ को जो हटाया जाता है, चिप्स को जो हटाया जाता है वो कैसे हटाया जा रहा है, इस वे में हटाया जा रहा है वर्टिकल फॉर्म में। मैंने बताया था ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को आप लोगों को अपना जब डेफिनेशन लिखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जरूर लिखना है, क्योंकि मेनली काम इसी का हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे इकट्ठा होता जा रहा है और ताकि हमारा जो मशीनिंग ऑपरेशन है उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस। सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस में क्या रहेगा, दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को, देखिए सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जिसमें स्वार्फ रिमूवल को मैंने समझा दिया, कौन सा सिस्टम कैसे मशीन्स वो यूज़ की जाती हैं वर्टिकल फोर्सेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था आपका लास्ट लेक्चर में सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस, ये मैं इसलिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इमेजेस थे जिसको मुझे दिखाना ज़रूरी था ताकि आप लोगों को थ्योरी तो मैंने आप लोगों को लेक्चर में डिक्टेट करा दिया था लेकिन उस थ्योरी बेस कुछ डायग्राम्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में बनाने हैं। तो सेफ्टी और गार्डिंग डिवाइसेस में देखो दो चीज़ों की सेफ्टी होती है, दो चीज़ों की गार्डिंग की जाती है। पहली होती है पहली जो सेफ्टी और गार्डिंग की जाएगी वो मशीन की जाएगी, जो सीएनसी मशीन जो भी ऑटोमेटिक मशीन है उसकी की जाएगी, और दूसरी सेफ्टी किसकी जाएगी, उस मशीन ऑपरेटर की। ये दो ही तो चीज़ें हैं जहाँ पे सेफ्टी के लिए यूज़ की जाएंगी। तो हम ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी
सेफ्टी पर्पज़ के लिए वहाँ पे ऐसी कौन सी ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी गाइडिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों का सेफ्टी किया जाता है, एक तो मशीन की मशीन हमारी सही चले, मशीन में हमारा दिक्कत ना आए, और दूसरा होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑपरेटर के कोई भी किसी तरह का हार्म या किसी तरीके का डेंजर व खतरा उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो इस केस के लिए हम इन डिवाइसेज का यूज़ करते हैं। तो लिखा हुआ मैंने, जैसा कि हम जानते हैं कि CNC मशीन एक कंटिन्यूस ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है। CNC मशीन एक तो CNC लिखा हुआ है, सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस में CNC, जैसे कि हम जानते हैं कि CNC मशीन जो है वो एक कंटिन्यूस ऑपरेशन करती है, मतलब कि जब तक कि उसका ऑपरेशन का जो प्रोग्राम है जब तक वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा, और जब ऑपरेशन पूरा परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, ठीक है। तो लिखा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि CNC मशीन एक कंटिन्यूस यानी लगातार ऑटोमेटिक ऑपरेशन करने वाली एक मशीन है, जिसमें मशीन गाइडवेज तथा ऑपरेटर की सेफ्टी, गाइडवेज तथा ऑपरेटर की सेफ्टी का ध्यान रखने की नीड होती है, यानी कि मशीन की भी नीड रखनी होती है, गाइडवेज जहाँ पे हम लोग उन सेफ्टी डिवाइसेस को लगा रहे हैं उनकी, और ऑपरेटर की सेफ्टी और मशीन की सेफ्टी, ठीक है, इनको ध्यान रखने की नीड होती है। इन्हीं नीड को फुलफिल करने के लिए इन डिवाइसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं। इन सभी कार्यों की पूर्ति के लिए गार्डिंग तथा सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ये डिवाइस निम्न प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। पहली है गार्डिंग डिवाइसेस, किसी चीज़ को गार्ड करना, ठीक है। ये डेंजर एरियाज़ के पास यूज़ की जाती हैं, जो एरिया खतरनाक होता है, जहाँ पर हम लोगों को यानी ऑपरेटर को जाने की परमिशन नहीं होती किसी भी ह्यूमन बीइंग को मशीन के पास। एक पर्टिकुलर रीज़न, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि यहाँ तक ये ह्यूमन बीइंग या ऑपरेटर नहीं जा सकता, यहाँ तक सिर्फ उससे या तो रोबोट काम करेगा या वो मशीन खुद काम कर रही होगी, ठीक है। तो एक उस गार्डिंग डिवाइसेज के लिए क्या रहता है, ये एक डेंजर एरियाज़ के पास यूज़ की जाती हैं, जिससे होने वाले एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। जैसे हम उस एरिया तक या उस लिमिट तक जाएंगे ना, तो वो मशीन बीप करने लगी, अलार्म सेंस करके हम लोगों को बता देगा कि वो एरिया सही नहीं है, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग गार्डिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। मशीन गार्डिंग डिवाइस, अगर हम लोग मशीन को गार्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे। पहला, पहली है ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस। इसका क्या मतलब है, अगर मशीन पर ओवरलोड हो रहा है, मतलब मशीन पर भार ज़्यादा हो रहा है, या कटिंग टूल की वजह से, वर्कपीस की वजह से मशीन किसी तरीके से ओवरलोड हो रही है। हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी अगर मशीन है या इंजन है, अगर वो ओवरलोड होता है तो वो क्या करता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने का हम लोग कहते हैं भाई इसमें वजन ज़्यादा हो रहा है, या तो इसका वज़न कम करो किसी तरीके से, या इसमें से मटेरियल को हटाओ, ठीक है। तो वो चलेगी नहीं, चलेगी लेकिन उतनी स्पीड से नहीं चलेगी, और उतनी स्पीड से नहीं चलेगी तो वो एक ऑपरेशन को या एक प्रोडक्शन होने में अधिक समय लेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा मशीन गार्डिंग डिवाइसेस में, ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी एक ऐसी डिवाइस जो ओवरलोडिंग के बारे में हमें बताए। अगर भार एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा होगा तो उसको वो सेंस करके, सारी सेंसर्स हैं, फीडबैक डिवाइसेस ही इसमें यूज़ की जा रही हैं सेंस, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस का यूज़ करेंगे, जो हमें ओवरलोडिंग के बारे में बताएगा कि हमें इसमें मशीन पर भार ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा क्लैंपिंग सेंसर्स। क्लैंपिंग का मतलब होता है पकड़ना, और सेंसर मतलब सेंसर एक डिवाइस होती है। सेंसर में मोस्टली किस चीज़ को सेंस करने के लिए यूज़ की जाती है, मान लीजिए ये चक है, ठीक है, चक में हम लोगों ने वर्कपीस को पकड़ लिया, ठीक है। अब वो वर्कपीस उस चक में पूरी तरीके से टाइटली फंसा हुआ है कि नहीं है, ठीक है, टाइटली स्टक है कि नहीं है, ऐसा ना हो कि ऑपरेशन करने के दौरान जब वो घूमे, चक घूमेगा और वर्कपीस और कटिंग टूल जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा, फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से वर्कपीस निकल के भाग गया या वर्कपीस वहाँ से निकल गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि वहाँ पे एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा सेंसर लगाया जाए जो पूरी तरीके से बता दे कि हाँ वर्कपीस आप लोगों का जो मशीन में वर्कपीस चक में लगाया गया है वो पूरी तरीके से टाइटली वहाँ पे रख बन गया है, ठीक है। उसी तरीके से कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल को जब टूल होल्डर में लगाया जाता है, फिर टूल होल्डर को टूल मैगजीन में लगाया जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग यही क्लैंपिंग सेंसर का यूज़ करते हैं। क्लैंपिंग सेंसर अगर नहीं होगा तो हमको ये नहीं पता पड़ेगा क्लियर वे में कि वो टूल या वो वर्क पीस पूरी तरीके से वहाँ टाइटली बना हुआ बंधा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो उस केस के लिए हम लोग क्लैंपिंग सेंसर का यूज़ करते हैं। तो ये भी हमें एक तरीके से गाइड कर रही है, ठीक है, हमें एक तरीके से सेफ्टी हमारे लिए है इसमें है। थर्ड है वर्क पीस हैंडलिंग सेंसर। यहाँ पे हम लोग क्लैंपिंग सेंसर में टूल को भी यूज़ कर रहे थे, मतलब इसमें हम लोग टूल को भी सेंस करके देख रहे थे कि टूल हमारा टूल होल्डर में सही से कट फंसा हुआ है कि नहीं है, और हम लोग वर्कपीस को भी देख रहे थे, दोनों केसेस में हम देख रहे थे। और वर्कपीस हैंडलिंग सेंसर में क्या रहेगा, वर्कपीस को जो हम लोग होल्ड कर रहे हैं, वर्कपीस होल्डिंग सेंसर भी हो सकता है, वर्कपीस को हैंडलिंग सेंसर भी हो सकता है, दोनों केसेस। इसी तरीके से टूल हैंडलिंग सेंसर हो सकता है, टूल
हैंडलिंग सेंसर हो सकता है और टूल क्लैंपिंग सेंसर हो सकता है, दोनों केसेस में आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी गार्डिंग डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक आएगा इसमें, सेफ्टी, ठीक है, मेजरिंग डिवाइड गार्ड्स, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। तो एक तो हमारा टूल मेजरिंग वाला हो गया, उसके बाद आता है हमारा मेजरिंग डिवाइस गार्ड्स। ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो मेज़रमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हमारा मशीनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें मेज़रमेंट के लिए कि हमारा जो वर्क पीस का मेज़रमेंट एक्चुअली में होना चाहिए, हमें जितने मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट है वो उतनी मेज़रमेंट मशीन को फीड की गई है कि नहीं की गई है। ऐसा ना हो MM कुछ हमको चाहिए, MM हमको कुछ और मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग कुछ डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, वो हमको गाइड करेगा, वो होती है मेज़रमेंट डिवाइस गार्ड्स, ठीक है। अब सेफ्टी डिवाइस फॉर ऑपरेटर, ये तो था पूरा मशीन के मशीन को सेफ कर रखने के लिए या मशीन की गार्डिंग के लिए, लेकिन अब हमारा क्या रहेगा। मैंने दो ही चीज़ बताई थी, सेफ्टी पर्पज से दो ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं, पहला मशीन की सेफ्टी के लिए और दूसरा मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए। तो फर्स्ट हम लोगों ने मशीन की सेफ्टी के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप की गार्डसिंग डिवाइस का यूज़ किया जा रहा था वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आएगा सेफ्टी डिवाइस फॉर ऑपरेटर, ठीक है। तो सेफ्टी डिवाइस फॉर ऑपरेटर में क्या रहेगा, इसमें है पहला पेरीमीटर गार्ड डोर। इसमें क्या है, एक ऐसा डोर, पेरीमीटर का मतलब होता है परिधि, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेरीमीटर का मतलब है यहाँ पे परिधि, यानी कि एक परिधि, और डोर का मतलब है दरवाज़ा, और गार्ड करने का मतलब तो आप समझ रहे हो किसी चीज़ को रोकना या बचाना, एक मतलब कि मशीन जो CNC मशीन है या ऑटोमेटिक मशीन से जब वो ऑपरेशन चलता है उसमें, तो जो चिप्स निकलते हैं या स्वार्फ निकलते हैं वो है ना ऑपरेटर के ऊपर गिरने का डर रहता है, और एक बार चिप्स अगर निकलता है तो आँखों में भी जा सकता है, ठीक है, कपड़ों पे भी चिपक सकता है, उससे क्या होगा, हमको हार्म होगा या हमको नुकसान होगा। तो हम क्या कहेंगे, उस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर और मशीन, इसके बीच में एक हम डोर लगा के रखते हैं, जो और ये डोर ऐसा होता है, ये स्लाइडेबल होता है, इस डोर को हम लोग जब मशीन बंद हो जाएगी तो इस डोर को हम लोग स्लाइड करके हटा देंगे और ये ऑपरेटर अंदर मशीन के पास जा सकता है, ठीक है। जैसे ही मशीनिंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा ये डोर को स्लाइड कर देंगे और ऑपरेटर फिर वापस बाहर आ जाएगा। तो ये जो डोर है, ठीक है, जिससे मशीनिंग के ऑपरेशन को हम देख तो पा रहे हैं बाहर से, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, जिससे अंदर कुछ भी ऑपरेशन हो या मशीन के साथ कुछ भी एक्सीडेंट अगर होता है तो वो उससे ऑपरेटर बचा रहेगा। तो ये जो डोर है, इसी डोर को बोलते हैं पेरीमीटर गार्ड डोर। यह एक दीवार या दरवाजे की तरह कार्य करता है। ये मशीन टूल की रनिंग कंडीशन के दौरान या मशीन ऑपरेशन चल रहा हो, मशीनिंग का ऑपरेशन चल रहा हो, तो उसको रनिंग कंडीशन बोलते हैं, रनिंग कंडीशन के दौरान ऑपरेटर को एक्सीडेंट तथा मशीनिंग के दौरान उड़ने वाले स्वार्फ से ऑपरेटर को बचाता है। ये डोर स्लाइडिंग नेचर के होते हैं। स्लाइडिंग का मतलब, जैसे बहुत से घरों में दरवाज़ा होता है, एक तो खोलने वाले दरवाजे होते हैं, एक स्लाइड करने वाले दरवाजे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मशीनों में, मोस्टली ऑटोमेटिक मशीन्स में, हम लोग स्लाइडिंग डोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई हो। सेकेंड है एक बार हेडिंग आप लोग पढ़ोगे तो हेडिंग से खुद आप लोगों का सेंस निकलना आ जाएगा। सेकंड है प्रेशर मैट्स, ठीक है, प्रेशर मैट्स। मैट का मतलब होता है चटाई या कोई ऐसी प्रेशर मैट्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये वे मैट्स या फिर चादर होती हैं, मैट का आप लोग चादर बोल सकते हो, ये वे मैट्स या चादर होती हैं जो मशीन और ऑपरेटर के बीच एक दूरी को मेंटेन रखती हैं, दूरी को मेंटेन रखती हैं। कैसे मेंटेन रखेंगी, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जो मॉल वगैरह में जाते हैं हम लोग, जैसे ही मॉल का जो डोर होता है हम लोग थोड़ा उसके पास में जाते हैं तो वो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है या ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो वहाँ पे हमारे पैरों के नीचे सेंसर्स लगे होते हैं जो वो डोर सेंस करता है कि हाँ कोई बंदा आ रहा है, तो हम डोर को ओपन कर देंगे, और कोई बंदा जाएगा तो डोर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मैट लगा होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के प्रेशर को,
प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हमने एक प्रेशर मैट, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर मैट पे पड़ेगा तो वो डोर क्या होगा, वो खुल जाएगा, ठीक है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा वो डोर बंद हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर मैट्स। इसी तरीके से सीएनसी मशीन्स में और ऑटोमेटिक मशीन्स में भी यही होता है, जैसे ही हम लोग वहाँ तक मशीन के पास जाएंगे तो डोर वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही मशीन से दूर हो जाएंगे वो मतलब सॉरी खुल जाएगा, और जैसे ही मशीन के पास जाएंगे वो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वे मैट्स या जो चादर होती हैं जो मशीन और ऑपरेटर के बीच की दूरी को मेंटेन करती हैं। देखिए ये हैंड रिटन है सारा का सारा, ठीक है, मैंने इनको वर्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन खुद से ही लिखा हुआ है सारा। मशीन और ऑपरेटर के बीच की एक दूरी को, पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करती हैं कि वहाँ मशीन और एक ऑपरेटर की प्रॉपर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। यदि मशीनिंग के दौरान कोई ऑपरेटर मशीन के पास जाने की ट्राई करता है या मशीन के पास जाने की कोशिश करता है तो यह अलार्म बीप करने लगता है, यानी कि जो प्रेशर मैट है वो अलार्म बीप करने लगता है। जैसे मशीन के कोई मशीनिंग के दौरान बोला है, इसमें लिखा हुआ है, यदि मशीनिंग के दौरान, जब मशीनिंग के दौरान नहीं होगा तो आप लोग आसानी से जा सकते हो, अलार्म बीप नहीं करेगा, लेकिन मशीनिंग चल रही है, ऑपरेशन परफॉर्म की हो रहा है, रनिंग कंडीशन में मशीन है और आप मशीन के पास जा रहे हो, और जैसे ही आप उस प्रेशर मैट पे अपना प्रेशर डालोगे या अपना वजन डालोगे या आप उस पर पैर रखोगे तो तुरंत क्या होगा, एक अलार्म यहाँ पे लगा होगा, वो अलार्म बीप करने लगेगा, वो आपको सेंस करेगा कि मशीनिंग ऑपरेशन चल रहा है, अंदर आप अंदर नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइट बैरियर। इस प्रकार की सेफ्टी तथा गार्डिंग डिवाइस भी किसमें किन की टाइप की मशीन में लगा होता है, सीएनसी मिलिंग में लगा होता है, सीएनसी ड्रिलिंग ग्राइंडिंग मशीन में यूज़ किया जाता है। इसमें एक लाइट सोर्स होता है जो इंफ्रारेड लाइट सोर्स होती है। इंफ्रारेड का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, ये वर्ड यूज़ किया था इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग में यूज़ किया जाता है। रिमोट को आप प्रेस करते हो तो एक छोटी सी लाइट होती है आगे की तरफ, वो जलती है, वो रिमोट सेंसिंग होती है। वो जो लाइट होती है उसी को हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो कनेक्ट की जाती है वो इंफ्रारेड वेव्स के इन्फ्रारेड लाइट सोर्स से ही कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो लाइट बैरियर क्या करता है, उस लाइट को जलाने, जैसे हम लोगों को मशीन के पास पहुँचे तो वहाँ पे एक अलार्म तो होगा ना, अलार्म जलेगा तो वो किसके थ्रू जलेगा, लाइट के थ्रू, तो लाइट बैरियर वहाँ लगा होता है। तो इस प्रकार की सेफ्टी तथा गार्डिंग डिवाइस किस में लगी होती है, मिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका स्वार्फ रिमूवल और सेफ्टी एंड गार्डिंग डिवाइसेस के बारे में, जो मैंने इसमें डिटेल में पहले डिस्कस किया था, लेकिन इसमें डिटेल में डिस्कस कर दिया है ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। डायग्राम मैंने आप लोगों को स्वार्फ रिमूवल टेक्निक का बता दिया। नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक मैंने आपको थोड़ा बताया था कि हाँ उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, वो ये है कि डिफरेंट टाइप के कटिंग टूल्स। देखिए इसमें है ना एक्चुअली कोई डायग्राम वगैरह तो नहीं है, लेकिन जहाँ मुझे डायग्राम की नीड हुई है मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग डायग्राम से ज़्यादा मार्क्स ले सको। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के सीएनसी कटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के सीएनसी कटिंग टूल्स। नॉर्मली तो आप लोगों ने कुछ कटिंग टूल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कौन कौन से कटिंग टूल्स ऐसे हैं, जैसे कि जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप वगैरह किया होगा तो वहाँ पे कौन कौन से कटिंग टूल्स यूज़ किए होंगे लेथ मशीन पे, जो कटिंग टूल आपने टीचर से पूछा होगा सर ये जो कटिंग टूल है किस मटेरियल का बना हुआ है या किस धातु का बना हुआ है, और जो वर्क पीस है जिसके ऊपर कटिंग की जा रही है वो किस धातु का बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जो वर्क पीस होता है जिसके ऊपर कटिंग की जाती है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, MS, ठीक है, माइल्ड स्टील, जिसे हम लोग माइल्ड स्टील जो हमारा वर्क पीस होता है, जो वर्कपीस होता है वो किसका बना होता है, MS, यानी कि माइल्ड स्टील, जिसके ऊपर कटिंग की जाती है, ठीक है ना। और जो कटिंग टूल होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि कटिंग टूल्स किस मटेरियल का बना होता है, विभिन्न प्रकार के सीएनसी मशीन कटिंग टूल्स, तो कटिंग टूल्स सीएनसी मशीन में यूज़ किए जाने वाले टूल्स निम्न प्रकार के हैं, कौन कौन से टूल्स हैं और वो किस मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। तो पहला टूल है हमारा इसमें कटिंग टूल की स्थापना के आधार पर, यानी कटिंग टूल कहाँ सेट किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ उसको लोकेट किया जा रहा है, तो उस आधार पर। अगर कटिंग टूल होल्डर से डिस्टेंस पर है या प्रॉपर होल्डर में ही लगाया गया है, कटिंग टूल को होल्डर में तो लगाया जाएगा ना, उस होल्डर को फिर मैगजीन में लगाया जाता है, टूल मैगजीन में लगाया जाता है, तो उस टूल को होल्डर से डिस्टेंस पर तो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, या टूल के होल्डर में ही लगाया जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है वो कटिंग टूल। तो पहला पॉइंट जो है या जो पहला क्लासिफिकेशन मान लो या पहला टाइप मान लो वो कौन सा है, कटिंग टूल की स्थापना के आधार पर, जिसमें पहला टूल आता है आप लोगों का प्री सेट टूल्स। प्री सेट टूल, देखो इसमें प्री वर्ड यूज हुआ है, मतलब सेट से पहले प्री लगा हुआ है, ठीक है, यानी पहले सेट टूल्स। तो मशीन इस टाइप का टूल्स कौन सा होता है,
प्रीसेट टूल्स। प्रीसेट टूल में क्या रहता है आप लोगों का, मशीन टूल से थोड़ी दूरी पर टूल होल्डर में पहले से टूल को सेट करना प्रीसेट टेक्निक कहलाती है या प्रीसेट टूल टेक्निक कहलाती है। इसका क्या मतलब है, मशीन टूल से थोड़ी दूरी पर, एक तो मशीन मतलब सीएनसी मशीन की बात चल रही है, मशीन टूल मतलब जो कटिंग करेगा, और टूल होल्डर में पहले से ही अगर हम टूल को सेट करके रखें, यानी हमें सेटिंग जो टाइम है हमारा, जो मतलब सेट का जो करने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम पहले से ही टूल को सेट करेंगे, तो वो हमारा कौन सा टूल होता है, प्रीसेट टूल होता है। मशीन में मशीन टूल को पहले से ही अगर हम टूल होल्डर में सेट करके रखें तो उस टेक्निक को, तो पहले से टूल को सेट करना प्रीसेट टेक्निक कहलाता है। इस प्रकार के टूल का प्रयोग किस में होता है, इस प्रकार के टूल का प्रयोग टूल होल्डर की टिप की एक्सिस, जो टिप होता है, मतलब अगर मैं टूल बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी कटिंग एज हो गई, ये वाली जो कट करेगा, और ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। अगर ये वाली एक्सिस अगर इस तरीके से है, मतलब मान लो कटिंग एज हमारी इस तरीके से है, तो इसकी कटिंग एक्सिस क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो इस प्रकार के टूल का प्रयोग टूल होल्डर की टिप की एक्सिस और रेडियल पोजीशन, रेडियल पोजीशन को बोलते हैं, ये वाली देखो, ये जो पोजीशन है ये रेडियल पोजीशन है, रेडियल पोजीशन, और ये हमारी एक्सिस की एक्स, मतलब ये जो हमारी एज है, एज को मतलब बोलते हैं धार, कटिंग एज जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी जो एक्सिस है वो ये वाली है जो डॉटेड में मैंने दिखाई हुई है, ये वाली इंक्लाइंड पोजीशन पर, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ड्रिल बिट देखा होगा, जो ड्रिल टूल होता है उस पर जो इस तरीके से जो फ्लूट्स बनी होती हैं, ठीक है, वो एक्सिस एक पर्टिकुलर एंगल पे होती हैं, वर्टिकल तो होती नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होती हैं, तो उनको हम लोग कटिंग एजेस बोलते हैं। और वो एजेस जिस एक्सिस पे जा रही हैं, जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ इस तरीके से, तो इसकी जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, ठीक है, एक एक्सिस तो ये वाली हो गई, इसे रेडियल एक्सिस बोल देंगे, और एक एक्सिस ये वाली हो गई। तो ये वाली जो एक्सिस है ये कटिंग एज की एक्सिस है, और ये वाली जो एक्सिस है हम इसे पूरे ड्रिल बिट या पूरे टूल की एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, रेडियल एक्सिस बोलेंगे। तो रेडियल पोजीशन को लोकेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये टूल ऑपरेशन के लिए जो रास्ता अपनाते हैं, ऑपरेशन होने के बाद उसी रास्ते से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है, जिससे न्यू टूल की सेटिंग का टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है, ठीक है। तो प्री सेट टूल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये टूल एक बार ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, और जिस पोजीशन से या जिस रास्ते से इसने चलना शुरू किया, ऑपरेशन किया, कटिंग किया, ड्रिलिंग किया, जो भी इसने ऑपरेशन परफॉर्म, वो उसी रास्ते से वापस आ जाए। ऐसा नहीं है कि उसे वापस लाने के लिए हमें टूल को बदलना पड़ेगा, ये वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो टूल को सेट करने का, नया टूल सेट करने का जो टाइम होगा वो बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा पहले उस टूल को निकाला जाएगा फिर दूसरा नया टूल लगाया जाएगा जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो इससे टाइम ज़्यादा जाएगा। तो प्रीसेट टूल का एक ये भी फायदा है, ठीक है, नया टूल ऑटोमेटिकली उस नए ऑपरेशन के लिए पहुँच जाएगा और ये अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ठीक है। ये प्रीसेट टूल दिखता कैसा है, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस टाइप से ये टूल दिखता है, ठीक है, ये आप लोगों का प्रीसेट टूल का डायग्राम है, ये हमारा टूल है, इसको थोड़ा अलग वे में यहाँ दिखाया हुआ है, ये इनको फ्लूट्स बोलते हैं, ये जो इस तरीके से मतलब इंक्लाइन जो है ये इनको फ्लूट्स बोलते हैं, फ्लूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियल एक्सिस हो गई, रेडियल एक्सिस हो गई, और ये जो फ्लूट्स मैंने रेड से दिखाया हुआ, इसकी एक पर्टिकुलर एक्सिस हो गई इस तरीके से, इन एक्सिस को क्या बोलते हैं, कटिंग एज एक्सिस, यही कटिंग करती हैं, कटिंग एज एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से ये कटिंग एजेस एक्सेस होती हैं। ये टूल मैगजीन बोल सकते हो आप, टूल मैगजीन, और ये आपका टूल होल्डर हो गया। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रीसेट टूल के लिए वाला डायग्राम आप लोग बनाएंगे, जिसमें आप लोग टूल मैगजीन को बनाएंगे पहले, फिर टूल होल्डर को बनाएंगे, ये आप लोगों का कटिंग टूल है, और कटिंग टूल को आप लोग अलग से हाईलाइट करके इस तरीके से फ्लूट्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं, दोनों एक्सिस को दिखा दीजिएगा, ये वाली रेडियल एक्सिस हो गई, और ये जो कटिंग एजेस हैं, जो कटिंग का मेन काम ये कटिंग एजेस करती हैं, जब ये घूमती हैं, ट्विस्ट करती हैं,
इसलिए इसको है ना हम लोग ट्विस्ट ड्रिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्विस्ट होता है, ठीक है। ये जो कटिंग एजेस हैं इसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके, मतलब कि एंट के, जैसे हम लोग कपड़े को जब निचोड़ते हैं तो ऐंठा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है उसी, तो वहाँ पे कुछ एजेस बन जाती हैं, ठीक है। तो वही एजेस को हम लोग बोलते हैं कटिंग एज एक्सेस, ठीक है। अगला है हमारा टूल, पहला तो हमारा हो गया प्रीसेट टूल हो गया था, अगला जो टूल है वो है हमारा क्वालिफाइड टूल्स, ठीक है। तो अगला जो टूल है हमारा सीएनसी मशीन में जो टूल यूज किया जाता है वो है क्वालिफाइड टूल्स। क्वालिफाइड टूल्स में क्या मतलब है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रीसेट डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब इसमें हम पहले से ही टूल को सेट करके नहीं रखते हैं, हर बार ऑपरेशन के लिए नया टूल खुद से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रीसेट डिवाइस का यूज नहीं किया जाता है, प्रीसेट डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनकी कटिंग एजेस जो मतलब कटिंग करने की जो एजेस हैं टूल होल्डर की आंतरिक परत में होती है, यानी इंटरनल सरफेस। ये हमारा टूल होल्डर है, ये वाला, ये जो टूल होल्डर है ये टूल होल्डर था हमारा, ठीक है। तो हमारा ये, और ये हमारा कटिंग टूल था, तो कटिंग टूल की जो एजेस हैं ये वाली, ब्लू पेन दिख रहा है आपको, हाँ दिख, रेड ले लेते हैं, ये वाली जो एजेस हैं इनको हम लोग कटिंग एजेस बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो एजेस हैं इनको हम लोग कटिंग एजेस बोलते हैं, ये कटिंग एजेस होती हैं। तो ये जो कटिंग एजेस होती हैं ये पार्शियली, इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें किसी भी प्रकार का प्रीसेट डिवाइस यूज नहीं किया जाता, मतलब इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए समय लगेगा, क्योंकि हमें टूल बदलना पड़ेगा। प्रीसेट डिवाइस में क्या होता था, टूल को बदलना नहीं पड़ता था, वो ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता था, और टूल होल्डर में पहले से ही टूल सेट होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रीसेट डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता। इनकी कटिंग एज टूल होल्डर की आंतरिक परत यानी इंटरनल सरफेस में, ये जो कटिंग एजेस हैं ये टूल होल्डर में पहले से ही इंसर्ट होती हैं, यानी कि इसका आधा जो भाग है वो टूल होल्डर के अंदर होगा, लेकिन प्रीसेट टूल में टूल होल्डर के अंदर नहीं होता है, पूरा का पूरा टूल जो होता है वो टूल होता है वो होल्डर से बाहर की तरफ होता है, बस उसे क्लैम्प करने के लिए एक छोटा सा पार्ट पीछे की तरफ होता है, बस उसे क्लैम्प करने के लिए छोटा सा पार्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, क्वालिफाइड टूल्स में टूल का आधे से ज़्यादा पार्ट जिसके अंदर कटिंग एजेस हैं जो कटिंग का काम कर रही हैं वो कुछ पार्ट अंदर टूल होल्डर के होगा, ठीक है, आंतरिक सरफेस में होता है। इससे काफ़ी सुगम और सटीक डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, इसे सेट करने के लिए कम समय लगता है, ठीक है। ये इसकी थ्योरी हो गई। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो टाइप है ये क्वालिफाइड हो गया, एक हो जाएगा सेमी क्वालिफाइड, मतलब आंशिक रूप से। सेमी का मतलब क्या होता है, आंशिक रूप से, ठीक है, ये हो जाएगा सेमी क्वालिफाइड टूल्स। ये टूल्स पूरी तरीके से सेल्फ एडजस्ट नहीं होते हैं, देखो नाम ही इसका मतलब क्या है, सेमी मतलब आंशिक रूप से। एक था पूरी तरीके से क्वालिफाइड जो पूरी तरीके से एडजस्टेबल थे, ठीक है, उनको एडजस्ट करने के लिए हमें टाइम नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, सेमी का मतलब होता है आंशिक रूप से, पार्शियल जैसे होता है इसी तरीके से ये पूर्ण रूप से नहीं होगा, आंशिक रूप से। सेमी क्वालिफाइड टूल्स, ये टूल्स पूरी तरीके से सेल्फ एडजस्ट नहीं होते, इनको एडजस्ट करना पड़ता है, इनको स्क्रू के द्वारा सेट किया जाता है, मतलब कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनको स्क्रू या नट बोल्ट्स के थ्रू सेट किया जाता है। सेल्फ एडजस्ट ना होने की वजह से इनको अधिक रखरखाव, ऑब्वियसली बात है, इनको बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अधिक मेंटेनेंस की इनको नीड होती है, और इनको एक साथ कई मशीन पर यूज़ किया जा सकता है। इसलिए इनका क्या मतलब है, अगर टूल एडजस्टेबल नहीं है, एक बार तो होता है वो उस टूल को फिक्स कर दिया, वो अब तभी निकलेगा जब मशीन को शट डाउन किया जाएगा, मशीन को बंद किया जाएगा, वो तभी टूल हटाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, जब टूल हमारा सेल्फ एडजस्ट है ही नहीं, हम उसको बार बार चेंज कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो एक बार में कई सारी मशीन के पास जाके अपना काम कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो टूल होता है वो सेमी क्वालिफाइड टूल्स होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी आपकी टूल्स की, पहली तो आप लोगों की स्ट्रक्चर बेस्ड पर हो गई, सेकेंड हेडिंग जो आएगी टूल्स की वो क्या है, कटिंग टूल की स्ट्रक्चर के आधार पर, कटिंग टूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
वो कैसा दिखता है, सॉलिड में आता है या फ्लेक्सिबल है, किस टाइप का टूल है, ठीक है। तो हमारा जो पहला टूल है वो है सॉलिड टूल्स। कटिंग टूल्स के स्ट्रक्चर के आधार पर जो पहला पार्ट है वो क्या है आप लोगों का, सॉलिड टूल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट केस में जो कटिंग टूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील यानी कि HCS के बनाए जाते हैं। ये वाइवा में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेथ मशीन पर जो तुम टूल यूज़ कर रहे हो वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो टूल्स हमारे हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील के होते हैं, ठीक है। डायमंड टूल्स तो आप लोग यूज़ करोगे नहीं, वो बहुत महंगा होता है, लेकिन हम लोग जो अपनी लैब में अपनी वर्कशॉप में यूज़ करते हैं वो HSS का बना होता है, ठीक है, या SCS का, हाई कार्बन स्टील। इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर किसी भी टूल में मिलाई जा रही है, दैट मीन्स उसकी अंदर की जो घिसाव प्रतिरोधी का गुण है यानी वीयर रेजिस्टेंस का जो गुण है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट मीन्स वो वर्कपीस के साथ अच्छे से लड़ाई कर सकता है, अच्छा ऑपरेशन, उसको अच्छी सरफेस फिनिश दे सकता है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही वर्कपीस से टच करेगा हीट ज़्यादा जनरेशन होगा और टूल की सरफेस ख़राब हो जाएगी। कार्बन परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी हमको सरफेस प्राप्त होगी, ठीक है। और इन टूल्स का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हाई स्पीड पर कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे एक अच्छी वर्कपीस की सरफेस प्राप्त होती है और टूल की लाइफ भी लॉन्ग हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो टूल होता है वो कौन सा टूल होता है, सॉलिड टूल्स होते हैं, ठीक है। सेकंड है आप लोगों का जो सॉलिड टूल्स में आएगा, ब्रेज टूल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का ब्रेज्ड टूल। देखो ब्रेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये ब्रेजिंग ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे सोल्डरिंग ब्रेजिंग होता है इसी तरीके से ये एक ऑपरेशन होता है जो दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने के लिए, ब्रेज्ड ऑपरेशन है ये, जो दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्रेज्ड टूल्स। तो उस दौरान वो कौन सा टूल परफॉर्म होता है, ब्रेज्ड टूल्स होता है, ठीक है। इस प्रकार की टूल्स को फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। फोर्जिंग प्रोसेस कौन सा होता है आप लोगों ने वर्कशॉप में पढ़ा होगा, ठीक है। फोर्जिंग प्रोसेस कौन सा होता है वर्कशॉप में पढ़ा होगा, जिसमें किसी भी धातु को शेप देने के लिए, किसी भी धातु को आकार देने के लिए हम लोग उसे एक हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, उस पर फिर मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से उसको शेप एंड साइज उसका बदलते हैं। तो उस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो फोर्जिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और जिस धातु पे हम लोग जिस धातु का आकार बदलते हैं उस धातु को हम लोग बोलते हैं फोर्जेबल मेटल या फोर्जेबल मटेरियल, और वो प्रोसेस होता है फोर्जिंग प्रोसेस। ये हैमर फोर्जिंग भी हो सकती है, हम लोग हथौड़े से पीट पीट कर, जैसे लोहार होता है वो क्या करता है धातु को गर्म करता है भट्टी में, जब वो नरम हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है तो वो हथौड़े की हेल्प से, हैमर की हेल्प से उसके शेप एंड साइज को बदलता है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, हैमर फोर्जिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसी टाइप के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस भी होता है, तो फोर्जिंग प्रोसेस वो होता है। तो इस प्रकार के टूल्स जो होते हैं, जो ब्रेज टूल, ये इसका डायग्राम है ब्रेज टूल्स का, इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं वो फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। जिस तरह से हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील के टूल पूरे होते हैं, उसी के विपरीत ब्रेज टूल प्योर टूल नहीं होते हैं, ठीक है। इनको कटिंग एजेस पर ब्रेजिंग ऑपरेशन के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो लेथ मशीन पर आप लोग जब वर्कशॉप किए होंगे, तो कटिंग टूल कैसा होता है, जो हाई स्पीड स्टील का होता है, जैसे कि हाई स्पीड स्टील का ये जो टूल है ये पूरा ही टूल होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से टूल होते हैं, ये हाई स्पीड स्टील के टूल होते हैं, SSS के या फिर हाई कार्बन स्टील के टूल होते हैं। लेथ मशीन पर जो सेंटर लेथ मशीन होती है, खराद मशीन होती है, वहाँ पे यही वाला टूल यूज़ होता है HSS और SCS का। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, ये टूल घिस जाता है, ठीक है, घिस ही जाएगा। ऑब्वियसली इसकी लाइफ अगर अच्छी है तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, नहीं तो एक टाइम के बाद ये पूरा का पूरा ही टूल यूज़ में आता है। ऐसा नहीं है इसका ये वाला पार्ट है सिर्फ यही यूज़ में आ रहा है, बाकी का पार्ट यूज़ में नहीं आ रहा, ये पूरा का पूरा टूल का पार्ट यूज़ में आता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रेज टूल होता है जस्ट इसका विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जिस पार्ट को हमें यूज़ में लेना है या जो पार्ट कटिंग करेगा सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पे ब्रेजिंग ऑपरेशन, यानी यहाँ डॉटेड लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैंने रेड किया हुआ है ये टूल नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है ये टूल नहीं है, और ये वाला जो पार्ट है जो मैंने वाइट किया हुआ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये टूल है। आई बात समझ में, यानी कि इस वाले टूल को इस पार्ट दूसरे पार्ट से
इस वाले टूल को इस वाले पार्ट से यहाँ पर ब्रेज्ड किया गया, यानी ब्रेजिंग ऑपरेशन यहाँ पे किया गया जिसको इससे जोड़ा गया है, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो आएगा ये मशीनिंग ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन करने के दौरान या मशीनिंग के करने के दौरान कॉन्टैक्ट में आएगा वर्क पीस का, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ये तो सिर्फ इसके एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, सपोर्टर की तरह यूज़ किया जा रहा है कि ये इससे सपोर्ट देगा और यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया। अब जोड़ने के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसे परमानेंटली जोड़ दो कि इसे फिर दोबारा से निकाला ही नहीं जाएगा, ठीक है। जो परमानेंटली जोड़े जाएंगे वो टूल यही होते हैं ब्रेज टूल, इनको ब्रेजिंग ऑपरेशन के द्वारा इससे जोड़ा जाता है, ठीक है। इनकी यहाँ पर डायमेंशन वगैरह लिखी हुई है कि इसकी यहाँ से लेके लेंथ कितनी है, मैंने सी लिखा दिया, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री का एंगल है, और टोटल लेंथ जो आएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ है इसकी एल, और इसकी जो चौड़ाई है वो बी है, ये लेंथ हो जाएगी कैपिटल एल, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये तो सामने से देखोगे लेकिन अब इसका मतलब साइड से देख लो, जब सामने से देखोगे तो ये आपको सर्कल में दिखाई देगा, तो ये रेडियस इसकी आर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा टूल है आप लोगों का, ये ब्रेज्ड टूल है जिसमें सिर्फ आगे वाला जी वाला जो पार्ट है इसी को ब्रेजिंग ऑपरेशन के द्वारा इस वाले पार्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है आप लोगों का, इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने डायग्राम थोड़ा और एक इसमें लगाया हुआ है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आप लोगों का, एक बार इसी जो ब्रेज वाला आपका टूल था उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये वर्क पीस हो गया आपका, ठीक है, और ये दो टूल हो गए आपके ब्रेज टूल, ये दोनों ब्रेज्ड टूल हैं, और ब्रेज टूल सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है टूल है, ये सिर्फ होल्डर्स हैं या सपोर्टर्स हैं जिनको ब्रेजिंग ऑपरेशन के द्वारा टूल के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। और ये वर्क पीस है जिसके बाद जिसकी सरफेस के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंसर्टेड बिट टूल्स, तीसरा जो टाइप है कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो हमारा तीसरा टाइप है वो है इंसर्टेड बिट टूल्स। तो इंसर्टेड बिट टूल्स में हमारा क्या होगा, इस प्रकार के कटिंग टूल को एक स्पेशल टाइप की मैकेनिकल क्लैंप की सहायता से होल्ड कर दिया जाता है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अगर ये वाला टूल होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेजिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट मीन्स ये परमानेंट है, अभी हटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगने पे हो सकता है यहाँ पर ब्रेकेज हो जाए, अदरवाइज हटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस टूल को निकालना हो, इस टूल को यहाँ से निकालना हो, तो ऑब्वियसली मुझे इसकी जो ब्रेजिंग है इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर से मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा, फोर्जिंग मतलब इसे हाई टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, ये भी सॉफ्ट हो जाएगा, फिर से मैं अलग कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत वैसा लंबा प्रोसेस है। लेकिन इंसर्टेड बिट टूल्स में जस्ट इसका उल्टा है, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के जो कटिंग टूल्स होते हैं इसको एक स्पेशल टाइप की मैकेनिकल क्लैंप की सहायता से होल्ड कर दिया जाता है। दैट मीन्स अगर यही टूल मैं बनाऊँ, ठीक है, इस वाले टूल को बनाऊं और मैं, ये मेरा टूल है और ये मेरा होल्डर है, टूल होल्डर बोल सकते हो या आप सपोर्टर बोल सकते हो, अगर मैं इस टूल को इस वाले पार्ट से इसे एक बोल्ट के थ्रू जोड़ दूं या नट के थ्रू जोड़ दूं, तो यहाँ पे मैकेनिकली एलिमेंट यूज़ हो रहा है, वो क्या यूज़ हो रहा है, नट बोल्ट, ठीक है। नट बोल्ट के थ्रू मैं इस टूल को इस वाले पार्ट से, ये मेरा पार्ट ए है टूल और ये मेरा पार्ट बी है जिसमें से जोड़ा जा रहा है, तो इसको अगर मैं इस तरह से जोड़ूंगा तो इस टाइप का जो टूल होगा वो होगा इंसर्टेड बिट टूल्स, ठीक है। और ये एक टाइम के बाद इसको नट बोल्ट से थ्रू मैं खोल दूंगा तो मेरा ये टूल अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये बहुत अधिक हार्ड मेटल के बने होते हैं, ये कम से कम घिसें इसके लिए इनके ऊपर, यानी कम से कम घिसने के लिए इनके ऊपर हम लोग टाइटेनियम नाइट्राइड, सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, टाइटेनियम नाइट्राइड और टाइटेनियम कार्बाइड की परत को चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसकी जो सरफेस होती है इसके ऊपर हम लोग टाइटेनियम नाइट्राइड और टाइटेनियम कार्बाइड की परत को चढ़ा देते हैं, इनको ईजिली टूल होल्डर से रिमूव किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है हम लोग इसको आराम से टूल होल्डर्स में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके दो टाइप, मतलब कंस्ट्रक्शन के आधार पर टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, इंसर्टेड बिट टूल्स, ठीक है, ये ब्रेज टूल्स हो गया। तो इस वाले टॉपिक में यही था, एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा, इस टाइप का डायग्राम रहता है इंसर्टेड बिट टूल का, ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए
येलो वाला जो पार्ट है सिर्फ यही कटिंग टूल है, बाकी ये वाला पार्ट है ये सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको इस टूल को इससे जोड़ा कैसे गया है, यहाँ पे देखिए एक नट बोल्ट ये लगा हुआ है, एक नट बोल्ट ये लगा हुआ है, एक नट बोल्ट ये लगा हुआ है, तो इसके थ्रू यानी इसकी सहायता से हम लोगों ने इस टूल को यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, इंसर्टेड बिट टूल्स हो जाएगा। तो इसको हम एक समय के बाद जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा या मशीनिंग हो जाएगी, तो इसके बाद हम इस नट बोल्ट के थ्रू इसको खोल सकते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, येलो वाले पार्ट को। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल का बना होता है, टाइटेनियम नाइट्राइड की इसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है ताकि ये कम से कम घिसे। ठीक है, अब आता है हमारा कटिंग टूल के मटेरियल्स। कटिंग टूल के कौन कौन से मटेरियल्स हैं, या फिर बोल सकते हो कि कटिंग टूल, अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन तो पढ़ लिया कि कटिंग टूल होते कौन कौन से हैं, किन किन प्रकार के कटिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं सीएनसी मशीन्स में, लेकिन अब वो कटिंग टूल किन किन मटेरियल्स के बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो नाम तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका था, हाई स्पीड स्टील एक कटिंग टूल का मटेरियल ये है, एक कटिंग टूल का मटेरियल है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, थर्ड है सीमेंटेड कार्बाइड, कार्बन अलॉयज। कार्बन अलॉयज का मतलब होता है मिश्र धातु, कुछ ऐसी मिश्र धातु जिसमें कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे स्टील होता है, स्टील में कार्बन मिला होता है, हाई स्पीड स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, इसमें कार्बन मिलाया जाता है मिश्र धातु के रूप में। ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, ये हिंदी में क्या होता है, कांसा। तो ये किस किस का मिश्र धातु है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, एक तो इसमें कॉपर मिला हुआ है और एक जिंक मिला हुआ है। ठीक है, कॉपर और जिंक, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है, इन दोनों को मिश्र करके मिला के ब्रॉन्ज बनाया गया। इसी तरीके से कार्बन अलॉय यानी कार्बन को मिला के जो नया धातु बनाया जाएगा उसके हमारे कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, डायमंड को ब्रेक करना आसान नहीं होता, इसको सिर्फ तराशा जा सकता है, लेज़र के द्वारा ही काटा जा सकता है। ठीक है, और ये भी पूरा टूल डायमंड का नहीं होता है, सिर्फ डायमंड टिप पे रखा जाता है, जैसे आप लोगों ने अभी इंसर्टेड टूल्स आपको पढ़े थे। ठीक है, और ब्रेस टूल्स पढ़े थे हम लोगों ने इसमें सिर्फ टूल्स को टिप पे रखा था। इसी तरीके से डायमंड को पूरा टूल का डायमंड नहीं बनाया जाता, डायमंड को सिर्फ एक छोटे से पार्ट के रूप में टिप में रख दिया जाता है और उसे ब्रेस कर दिया जाता है, दैट आफ्टर उससे ऑपरेशन किया जाता है। बोरोन नाइट्राइड ये भी हार्ड मटेरियल है, सिरमिक्स के भी टूल्स होते हैं, तो ये हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। हाई स्पीड स्टील इस तरीके से आप बोल सकते हो, हार्डनेस बेस यहाँ पे सारे ही सारे टूल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद जो कटिंग टूल्स के बारे में इतना ही है, बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो सेकंड यूनिट का जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, एक तो ये कटिंग टूल वाला मटेरियल वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, कटिंग टूल कितने टाइप्स के होते हैं वो रहेगा, स्वार्फ रिमूवल मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट है, और कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ द सीएनसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के समय कौन कौन से आइडियाज एक डिज़ाइनर को माइंड में रखने चाहिए, ठीक है, जिससे हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन रेट मिल सके। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम शुरू करेंगे इसको, आई थिंक ये सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, एक दो टॉपिक और रह गए हैं इस वाले यूनिट में, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, वो टूल रूम मेंटेनेंस के बारे में है कि हम लोग जो टूल जो रूम होता है जहाँ पर हमारा टूल मैगजीन जो हमारा टूल रूम होता है टूल रूम मैनेजमेंट टूल रूम मैनेजमेंट इस हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, आई थिंक इसमें दो तीन टॉपिक और रह गए हैं, आपका ये कवर अप हो जाएगा। और इसमें क्या रह जाता है आप लोगों का, सेफ्टी डिवाइसेस हो ही चुका है। ठीक है, एक बार मैं सिलेबस देख लेता हूँ, सिलेबस में क्या क्या है, टूल रूम मैनेजमेंट हो जाएगा, उसके बाद हाँ ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस पर लिख रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम। ठीक है,
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों का इसमें रहता है यूनिट में, वो रहता है पैलेट सिस्टम। बस ठीक है, पैलेट सिस्टम इसमें रहता है। बाकी का जो मोस्टली पार्ट है आप लोगों का स्वाफ रिमूवल हो चुका है, सेफ्टी गार्डिंग डिवाइसेस कंप्लीट हो चुका है, कटिंग टूल्स कौन कौन से सीएनसी मशीन्स में हैं, ठीक है, टूल होल्डर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम और मैनेजमेंट। मेनली हम आप लोगों के ये तीन टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें आप लोगों को इस वाले टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। और इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है, जैसे जैसे आप नोट्स में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, एक बार आप लेक्चर को सुन लीजिए थोड़े, उससे क्या होगा आप लोगों को पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप लोग डेफिनेशन को लिखोगे, लेक्चर्स माइंड में रहेगा, तो आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ सर ने इस वाले टॉपिक को वहाँ रिकॉल किया था, तो उस टॉपिक को लिखने के लिए आप लोगों को अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, नोट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर से फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को कॉन्टेंट खुद से मिलना शुरू हो जाएगा, और एक बार खुद से मिलना शुरू हो जाएगा तो नोट्स में क्या लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे तो अच्छी बात है। हो सकता है चीज़ें, क्योंकि कई बार चीज़ें क्या होती हैं, डिक्टेट होने में आसान रहता है, लिखोगे 10 पॉइंट याद किए, एग्जाम तक जाते जाते हो सकता है वो 10 के 6 रह जाएँ, 5 रह जाएँ, लेकिन अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो लेक्चर ध्यान से सुनने में एक फ़ायदा है कि आपको पॉइंट्स दिमाग में सर्कुलेट होते रहेंगे, रिसाइकिल होते रहेंगे, ठीक है, सर्कुलेट होते रहेंगे तो पॉइंट्स आपको ध्यान रहेगा और एग्जाम में आप लोग लिख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, जब आप लोगों को इन तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।